फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है, सबसे पहले जो रिएक्शंस की बात करूंगा मैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन से टाइप का रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा तो इसके मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ओ होगा, समझ में आ रहा है? और ये जो मैकेनिज्म है दोनों मीडियम में होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक मीडियम की बात करेंगे, बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा RADS में, what is RADS? तो न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस होगा RADS में जो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कार्बन पे तो इसका डबल बॉन्ड टूट के O- बन जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट बना O- और Mu, समझ में आ रहा है? इसको सेकेंड स्टेप में एक्सप्रेस से ट्रीट कर देंगे जो मेरा फास्ट स्टेप होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका OHN, समझ में आया आपको? दूसरा जो मीडियम होगा वो एसिडिक मीडियम होगा, क्या होगा? एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में इसका मैकेनिज्म कैसा होगा? एसिडिक मीडियम मतलब H+ राइट, तो जब एल्डिहाइड एंड कीटोन में H+ आएगा तो क्या, ये सबसे पहले OH पॉजिटिव बना लेगा। अब ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप होगा या स्लो स्टेप होगा? बॉन्ड मेकिंग फास्ट, समझ में आ रहा है? अब इसके रेजोनेंस की बात करें तो यहां पे रेजोनेंस भी होगा, ये बॉन्ड तोड़ दूं मैं इस तरह से तो ये कार्बोनिल कार्बन जो है वो कार्बो कैटायन भी बना लेता है, क्या बना लेता है? कार्बो कैटायन, समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा जो आरडीएस होगा, क्या होगा? आरडीएस। अब जब न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के न्यूट्रल हो जाएगा या डायरेक्टली यहां पे भी अटैक करा सकते हो आप, तो होगा क्या? OH और Na, प्रोडक्ट दोनों के सेम है देखेंगे तो, बट अटैकिंग नेचर अलग अलग है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ एसिडिक मीडियम में पहले H+ आया है, बेसिक मीडियम में पहले न्यूक्लियोफाइल आया, समझ में आ रहा है? अब न्यूक्लियोफाइल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है? RADS में। इधर भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है? RADS में। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला गया? न्यूक्लियोफिलिक। डबल बॉन्ड ब्रेक होके किस में जा रहा है? सिंगल बॉन्ड में, तो क्या बोल दिए? एडिशन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए बोला क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस इन आरडीएस, एडिशन इसलिए बोला डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन इनटू सिंगल बॉन्ड, हेंस ओवरऑल रिएक्शन आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हमने बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो सी डबल बॉन्ड ओ के अक्रॉस यहां पे ऐड हुआ है। ये पॉइंट क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन में विच एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट फास्टर? अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं तो उनमें कौन तेजी से रिएक्ट करेगा और कौन स्लो रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए, कीटोन ले लिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिए, उनमें मैं आपसे पूछूं
कि डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन तेजी से रिएक्ट करे। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो आप क्या बोलेंगे? कुछ एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं, और आप एग्जांपल देख के भी एटलीस्ट सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। यहां फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, यहां एसिड एल्डिहाइड लिया हुआ है, यहां अनदर एल्डिहाइड लिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? अनदर एल्डिहाइड लिया हुआ है, देन मैं कीटोन भी ले लूंगा। कीटोन में मैं यहाँ पे मिथाइलेटेड एसीटोन सिंपलेस कीटोन लिया हुआ है। फिर एक साइड R ले लिया है, इधर CH3 ले लिया हुआ है, दोनों साइड R ले लिया हुआ है। अब यहाँ पे ये सब एग्जांपल ले लिया है, चलो आप बताएंगे कौन तेजी से रिएक्ट करेगा। ये मैकेनिज्म देख लीजिए, वो छोड़िए, चलो एग्जांपल अभी थोड़ा और होल्ड करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, मैकेनिज्म भी आपके सामने है, क्या सोचना होगा रिएक्शंस की स्पीड के लिए कि न्यूक्लियोफाइल कितना तेजी से अटैक करेगा। जितना तेजी से अटैक करेगा उतना फास्टर रिएक्शन होगा, पर हमें कैसे पता कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्पीड में रिएक्ट कर रहा है? यदि माय पॉइंट आपको पता है कैसे कितना स्पीड में रिएक्ट कर रहा है, स्पीड हम जान सकते हैं क्या? नहीं। इधर भी क्या हम ये समझ सकते हैं कितना स्पीड में रिएक्ट कर रहा है? बट ओवरऑल जब ये स्पीड की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अब लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। ये बॉन्ड में क्या बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है आपको? ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा निगेटिव उतना तेजी से अटैक करेगा। नहीं समझा? जितना तेजी से ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा बोल सकते हैं या तो आप बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जितना अनस्टेबल होगा, राइट? जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा ये पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा क्या होगा इसकी रिएक्टिविटी होगी, ये उतना तेजी से रिएक्ट करेगा। ये लॉजिक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो यहां पे भी अब ये पॉजिटिव चार्ज कब जो है अनस्टेबल होगा, जब इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे जो दो बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज है। बट इसके इसको कोई इलेक्ट्रॉन ना दे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है? अब यहां पे भी अगर मैं बॉन्ड को तोड़ दूं तो ये प्लस और माइनस होगा, इधर भी प्लस और माइनस। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या समझ में आ रहा है? बीच में नहीं समझ रही है। अब लॉजिक अप्लाई करेंगे तो यहां पे कोई भी प्लस आई माइनस आई नहीं है, इधर क्या है? ए प्लस आई, इधर क्या है? प्लस आई। ये CH3 के कंपेयर में ये वाला प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, हमने पढ़ा हुआ। जैसे जैसे साइज ऑफ अल्काइल बढ़ेगा प्लस आई नेचर बढ़ेगा, इधर दो दो प्लस आई है स्टूडेंट, इधर भी दो दो प्लस आई, फिलहाल तो दो प्लस आई इधर भी है, बट इन दोनों में फर्क क्या है? एक CH3 है जिसका प्लस आई इन दोनों से क्या होगा? वीक होगा। आर तो एक कॉमन ही है बट एक CH3 है, राइट? तो इसका प्लस आई का नेचर कम होगा इससे। अब जितना ज्यादा अनस्टेबल ये कार्बोनिल कैटायन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? ये रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? दूसरी बात, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आरडीएस में आ रहा है, इसका साइज जितना कम होगा उतना तेजी से रिएक्ट करेगा। अगर इस वाले मैकेनिज्म से मैं बात करूं, यहां तो पॉजिटिव चार्ज ही नहीं बन रहा है ना, तो यहां क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है आरडीएस में, तो जितना साइज कम होगा उतना तेजी से रिएक्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? साइज कम होगा तो फास्टर रिएक्शन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक उतना तेजी से करेगा। ये पॉइंट क्लियर? तो यहां पे दो चीजें देखना है रेट ऑफ रिएक्टिविटी के लिए। रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सो आप बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबल कार्बोकेटायन। पॉइंट क्लियर हुआ?
अनस्टेबल बोला है मैंने, स्टेबल नहीं बोला है, मतलब जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी। पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये समझ में आ रहा है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटैकिंग नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, हम इन दोनों से ही समझ पाएंगे कितना तेजी से अटैक कर रहा है, ये जानने के लिए मुझे ये दोनों पॉइंट देखना पड़ेगा। यदि मैं पॉइंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल कितना तेजी से अटैक कर रहा है हमें कैसे पता, उसके लिए ये दोनों पॉइंट देखना होगा। साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा है, जितना छोटा अल्काइल होगा उतना फास्टर रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्टिव होने का रीजन समझ में आया आपको, ये ध्यान में रखिए। तो दिस इज द रीजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्टिविटी। अगर यहीं पे मैं कुछ एरोमेटिक के एग्जांपल ले लूं, तो एरोमेटिक के एग्जांपल की बात करें तो क्या, बेंजल्डिहाइड है, इधर नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, मिथाइल बेंजल्डिहाइड है, समझ में आ रहा है। कीटोन भी ले ले रहा हूं मैं यहां पे, एसीटोफिनोन है और बेंजोफिनोन भी है। इन सभी मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल, सेकेंड वाले एग्जांपल में कौन सा मॉलिक्यूल बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, क्यों, न्यूक्लियोफाइल तो सारे में आएंगे, न्यूक्लियोफाइल में नाइट्रो वाला क्यों, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो कार्बोनिल कार्बन क्या होगा, अनस्टेबल। समझ में आ रहा है, हर केसेस में आपको एक ही चीज ध्यान देना, सब पे पॉजिटिव चार्ज बना दो, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, बेंजो फिनोल। द रीजन इज दो दो साइड से इस कार्बोनिक कार्बन को क्या हो रहा है, रेजोनेंस का हेल्प मिल रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी कम। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद फिर देन कीटो, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसमें ऑर्डर बना सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं, या तो इस नाइट्रो को इधर लिख दो, ये CH3 हटा दो, तो एक ऑर्डर बन जाएगा, या तो फिर ABCD करके लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको। अब रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वही है। समझ में आ रहा है आपको, यही ऑर्डर हो गया, तो ये ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्टिविटी है। अब ये ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्टिविटी आगे जाके आपको हेल्प करेगा, ये बहुत सारे रिएक्शन ऐसे आएंगे, एक नेम रिएक्शन है कैनिजारो करके, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पे टर्म ये होगा कि जो भी एल्डिहाइड जितना ज्यादा रिएक्टिव है, अब दो अलग अलग वहां पे रिएक्टेंट लिया रहेगा, दोनों एल्डिहाइड ही रहेंगे, दोनों में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो हमें उस रिएक्शंस को जानने के लिए सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्टिविटी पता होना चाहिए। अगर रेट ऑफ रिएक्टिविटी हमें पता है तो हम इजीली लिख पाएंगे कि ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और दूसरा रिड्यूसिंग प्रोडक्ट है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या समझना है, विच एल्डिहाइड और कीटोन आर मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज अ लेस रिएक्टिव। तो इनमें रेट ऑफ रिएक्टिविटी का पॉइंट हमने एकदम इजी वे में है कि सबसे पहले इस कार्बोनिल को पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर दिया। समझ में आया, बॉन्ड टूटेगा तो प्लस और माइनस बनेगा ही। अब जो भी पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा,
उतना ज्यादा क्या होगा उसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा क्राउड उतना कम रिएक्टिव, जितना कम क्राउड उतना ज्यादा रिएक्टिव। ये पॉइंट क्लियर, ये रिफर कर लेंगे। अब ये अगर समझ लिया हमने तो यहाँ पे पहला रिएक्शन डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन जो होगा होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ हम रिएक्ट करेंगे। अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन को तो प्रोडक्ट क्या होंगे, सी डबल बॉन्ड को कोई एल्डिहाइड या कोई कीटोन होगा। जब HCN के साथ रिएक्ट कराएंगे बेसिक मीडियम में तो बेसिक मीडियम में ये मॉलिक्यूल यहां पे OH और इस कार्बन पे CN, राइट। जब किसी कंपाउंड पे एक ही कार्बन पे OH, OH मतलब अल्कोहल आ गया और उसी कार्बन पे साइनाइड भी ग्रुप आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन। OH एंड CN बोथ दी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कंपाउंड आर नोन एज साइनोहाइड्रीन। कंपाउंड को क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन। एक एमसीक्यू भी बना था कि साइनोहाइड्रीन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे अल्कोहल एंड साइनाइड, अल्कोहल एंड साइनाइड। समझ में आ रहा है। तो जब भी HCN को किसी एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप साइनोहाइड्रीन मिलेगा, साइनोहाइड्रीन में OH एंड CN फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब यहाँ पे A और B आपका कुछ भी हो सकता है। अगर इन्हीं के मैकेनिज्म की बात करूं मैं, इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म की, यहाँ पे आपने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, फिर भी इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म बता रहा हूं जो आप कोरिलेट करेंगे। अब हाइड्रोजन साइनाइड है स्टूडेंट तो बेस क्या करेगा, OH माइनस बेस है, ये बेस H प्लस को लेके चला जाएगा। यहां पे आपको मिला क्या, साइनाइड माइनस NH2O, जो मेरा ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अगर आप देखेंगे तो बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या आया था, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्डिहाइड एंड कीटोन पे। तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल साइनाइड माइनस है जो मैकेनिज्म का सबसे स्लो स्टेट। अब इसी स्लो स्टेट में ये साइनाइड अटैक किया, बॉन्ड टूट जाएगा, ये CN बनेगा और ये OH सॉरी O माइनस बनेगा। समझा। अब इसी O माइनस को जो वाटर यहां से रिमूव हुआ है उसी वाटर को हम यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन O माइनस H प्लस के ऊपर ट्रैप करेगा, यहां से OH माइनस बेस आपका रिमूव हो जाएगा, मिलेगा क्या, OH माइनस बेस कैटलिस्ट जो हमने यूज किया था फर्स्ट स्टेप में वो यहाँ पे क्या हो गया, रीजन है। और ये आपका मैकेनिज्म जो हमने सिंपल वे में रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है उसी का मैकेनिज्म ये है। कि यहाँ पे आप ये भी बोल सकते थे कि डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल कैसे आया, यहाँ पे H प्लस आया था, समझ में आया है। तो बेस बेसिक मीडियम में है तो बेस कहाँ गया, तो बेस का रोल क्या है वो समझ में आ रहा है आपको, व्हाट इज द रोल ऑफ बेस वो समझा। तो ये ध्यान में देंगे कि बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके चला जाएगा H2O, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, RDS में ऑक्सीजन नेगेटिव बना, वाटर अटैक किया, आपका बेस रीजनरेट हो गया और यहां पे प्रोडक्ट बीसी रिएक्शन के एग्जांपल। अगर हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लें, इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करा दी इन अ बेसिक मीडियम, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब सॉरी मैं यहां पे एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं, तो मेरा सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिटाल्डिहाइड, इसको HCN के साथ रिएक्ट करा दिया तो H यहां पे आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CHOHCN। इस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का नेम है एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड को जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, ये साइनोहाइड्रीन है तो ये प्रोडक्ट बना हुआ है एसिटाल्डिहाइड से, तो इसको बोलेंगे एसिटाल साइनोहाइड्रीन, एसिटाल साइनोहाइड्रीन।
हाई ग्रीन। अगर यहीं पे मैं कीटोन ले लूं और कीटोन में CH3C डबल बॉन्ड OCH3, अब ये जो कीटोन है इसका नेम क्या होगा? इस कीटोन का नेम क्या है पता? AC2। इसको HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, OH माइनस के प्रेजेंस क्या मिलेगा? प्रोडक्ट तो सिमिलर ही मिलने वाला है, और यहाँ पे CH3, ये OH, ये Cl, क्या होगा? एसीटो साइनो हाइड्रीन। दोनों के नेम में जरा डिफरेंस देख लेंगे, एसीटल है और ये क्या है? एसीटो। अब एसीटो बोलता है तो हम जनरली क्या सोच लेते हैं कि एसीटल्डिहाइड से बना है, पर एसीटो मतलब एसीटोन से बना है, एसीटल एसीटल्डिहाइड से बना, ये ध्यान रखें। लेट्स गो थ्रू इट नाउ। द नेक्स्ट रिएक्शन इज, इन जनरल बातें अगर मैं कर लूं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा ले लिया, यहाँ पे चलो हम फिनाइल ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड ले। इस बेंजल्डिहाइड को अगर HCN के साथ रिएक्ट करा दें, HCN के साथ रिएक्ट कराएंगे इन अ बेसिक मीडियम, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पीएच सी ओ एच एच सी एन। इसको भी क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन। तो बेंजल्डिहाइड से बना हुआ है तो क्या हो जाएगा? बेंजेन साइनोहाइड्रीन। अब ये जो रिएक्शन है इसके एप्लीकेशन की मैं बात करूंगा, एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। बायो वाले सबको पता है अल्फा अमीनो एसिड स्ट्रक्चर क्या होता है, अंशु बताएगा, ये सब जो पहले प्रिय हो गए यहाँ तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हवा में तीर मार रहे हैं। अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? चुटका ही मार रहा है। RCHOHCN ये मेरा साइनोहाइड्रीन है, इससे हमें अल्फा अमीनो एसिड बनाना है। RCHNH2 यहाँ पे आएंगे COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जिससे अटैच होगा वो कार्बन अल्फा कहलाएगा, और अल्फा पे क्या अटैच है? NH2। तो नेमिंग क्या हो गया? अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आ रहा है आपको? जो एक ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है फिलहाल, तो ये भी अगर R आपका कुछ भी रहे, हाइड्रोजन ना रहे, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ही है। अब यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड बनाना है, क्या रिएजेंट यहाँ पे यूज किया जाए कि अल्फा अमीनो एसिड मिल जाए? हाउ विल यू प्रिपेयर अल्फा अमीनो एसिड फ्रॉम साइनोहाइड्रीन? ये क्या है? साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन से अल्फा अमीनो एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले इस रिएक्शंस के सॉल्यूशंस की बात कर लूं मैं, RCHOHCN ले लिया, इसको अगर मैं SOCl2 से रिएक्ट करा दूं बाय हीटिंग क्या हो जाएगा? OH ग्रुप कन्वर्टेड इनटू किस में जाएगा? बोलिए जरा, Cl। थोड़ा स्पीड में बोले, इतना स्लो बोलते हो आप लोग। RCHCl यहाँ पे Cl, बाई प्रोडक्ट क्या होगा? HCl एंड SO। अब इसी मॉलिक्यूल को अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दे, अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर, कि अल्काइल हैलाइड को जब अल्कोहलिक अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? NH2 मिलता है, RCH NH2 and Cl, ये मिल गया। अब अगर आपको एक रिएक्शन याद होगा कि साइनाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या बोला हुआ है? हाइड्रोलिसिस अगर मैं करा दूं वाटर NH+ कन्वर्जन में बताया हुआ है, तो ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्टेड इनटू
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, आर सी एच एन एच टू सी ओ ओ एच, और ये क्या मिला आपको, अल्फा अमीनो एसिड। ये समझा, याद है कोई डाउट? अगर साइनोहाइड्रीन से अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मतलब NH2 की जगह पे OH ही रहने है और खाली साइनाइड को COH में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे, डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस। अब सेकेंड जो रिएक्शन है मेरा वो है RCH OH ये CN, यही साइनोहाइड्रीन है, इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, RCH OH COOH में, ये प्रोडक्ट बना है। तो क्या रिएजेंट यहाँ पे यूज करना चाहिए, पूछे डायरेक्टली वाटर ले लो। वन मोर थिंग, यहाँ पे सबसे पहले एसिड कन्वर्ट करने के बाद SOCl2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इसको पहले वाटर लेता तो ये साइनाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जाता और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी SOCl2 से रिएक्ट करता है, समझ में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे पहले OH को NH2 में कन्वर्ट किया गया। अगर वहां पे CO जो HCl में चला जाता और अमोनिया से रिएक्ट कराते तो ये भी अमाइड बन जाता, तो एसिड नहीं मिलता। हमें क्या चाहिए, अल्फा अमीनो एसिड। इसलिए सुटेबल स्टेप क्या है, सबसे पहले SOCl2 लेना है, इस OH को NH2 में कन्वर्ट करने के बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहले हाइड्रोलिसिस कर दें और बाद में वहां पे SOCl2 से रिएक्ट कराएंगे तो एसिड भी आपका SOCl2 से रिएक्ट करता है। SOCl2 से जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, वाई प्रोडक्ट वही एस सी एल एंड एस ओ, इसलिए पहले आप हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे, समझ में आ रहा है, और इसको फिर से अमोनिया से रिएक्ट कराया तो ये क्या बन जाएगा, अमाइड बन। तो दो दो रिएक्शन पैरेलल जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है, हमें सुटेबल कन्वर्जन कराना है, ये ध्यान में रखना। नाउ अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जब आर सी एच ओ एच सी एन ले लूं मैं, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं इन एसिडिक मीडियम, तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सी ओ ओ एच। थर्ड वन अगर मैं यहां पे ले लूं, थर्ड रिएक्शन आर सी एच ओ एच सी एन है, इसको कन्वर्ट करना हो अगर मुझे आर सी एच ओ एच सी एच टू एन एच टू तो कैसे होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये कन्वर्जन कैसे होगा, आर सी एच ओ एच ले लिया यहां साइनाइड, अगर मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लूं और ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो साइनाइड को रिड्यूस करे, क्या ले सकते हैं, LiLH4, समझ में आ रहा है, LiLH4 पेने निकल कुछ भी ले लिया जाए अगर, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCHOH, और साइनाइड जो ग्रुप है किसमें जाएगा, CH2NH2। ये सब वन वन स्टेप के कन्वर्जन है, यही था जो मल्टीपल स्टेप कन्वर्जन, ये ध्यान में रखना। तो अगर मैं यहां पे साइनोहाइड्रीन ले लूं, जो तीनों रिएक्शंस किया हुआ है, तीनों रिएक्शंस के कन्वर्जन, यहां अल्फा अमीनो एसिड था राइट, यहां पे मिला मुझे क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वही है, और तीसरे में अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइन, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी अमाइन, ये अल्फा हो जाएगा, अब ये बीटा, समझ में आ रहा है, ये बीटा पे हाइड्रोक्सी है और ये क्या है, अमाइन, ये ध्यान में रखें। अब ये कन्वर्जन के लिए सबसे पहले SOCl2, फिर अमोनिया, देन वाटर इन अ एसिडिक मीडियम, ये पहला कन्वर्जन था। दूसरे वाले में कुछ नहीं करना है, पहली हाइड्रोलिसिस इन अ एसिडिक मीडियम, एंड थर्ड में क्या होगा,
LiAlH4S3O, ये ध्यान देना। यहां तक कोई डाउट है? तो ये तीनों रिएक्शंस क्या हैं? अप्लीकेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, अप्लीकेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। इस साइनोहाइड्रिन से आप ये भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम बाय सल्फाइड, रिएक्शन विद सोडियम बाय सल्फाइड। जब हम सोडियम बाय सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम बाय सल्फाइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या? किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को NaHSO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल। क्या होगा? रिवर्सिबल। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये ब्रेक होगा। ब्रेक होके जब ये C और O बनेगा, तो यहां पे H आ जाएगा OH, और कार्बन के पास क्या मिलेगा? ये SO3 Na आ जाएगा। समझा आपको? ये प्रोडक्ट को अडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। अडक्ट प्रोडक्ट क्यों बोला? टोटल एडिशन हो गया है प्रोडक्ट का, अडक्ट। समझा आपको? अब ये मॉलिक्यूल को हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, तो फिर से ये इनिशियल प्रोडक्ट में आ जाएंगे। फिर से अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो हाइड्रोलिसिस में ये फिर से आपका एल्डिहाइड कीटो मिल जाएगा, एसिड निकल जाएगा और सॉल्ट भी निकल जाएंगे वहां पे। इस तरह से अब ये जो एल्डिहाइड कीटोन मिल रहा है, ये यहाँ पे प्योर फॉर्म में निकलेगा। कौन से फॉर्म में? प्योर फॉर्म। तो अगर ये यहाँ पे प्योर फॉर्म में निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिएक्शन आर यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट रिएक्शन कीटोन में स्पेसिफिक है, ये सारे कीटोन को प्यूरिफाई नहीं करता है। ओनली एलिफैटिक मिथाइलेटेड कीटोन, किसको? ओनली एलिफैटिक मिथाइलेटेड कीटोन, ये कंडीशन ध्यान में रहेगा। अब जैसे एसीटोन है, तो एसीटोन में मिथाइल है, एलिफैटिक भी है, तो ये रिएक्शन देगा। ब्यूटेन टू ओन, वो भी ये रिएक्शन देगा, बट पेंटेन थ्री ओन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन में मिथाइल भी है, मिथाइलेटेड कीटोन भी है, बट वो क्या है? एरोमेटिक है, तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, ये ध्यान में रखें। दिस रिएक्शन आर मोर सुटेबल फॉर एल्डिहाइड एंड एलिफैटिक मिथाइलेटेड कीटोन, एलिफैटिक मिथाइलेटेड कीटोन, तो प्यूरिफाइड प्रोडक्ट बना। तो आप बोल सकते हैं बाकी के कोई कीटोन है और मिथाइलेटेड कीटोन है, तो उनको सेपरेट करना है, तो हम इजीली इस मेथड से कर सकते हैं, बाय यूजिंग सोडियम बाय सल्फाइड, NaHSO3 सोडियम बाय सल्फाइड। एनी डाउट? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये ध्यान में रखें। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड मिथाइलेटेड एलिफैटिक कीटो, मिथाइलेटेड एलिफैटिक कीटो, ये ध्यान में। एलिफैटिक टर्म यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दूसरा मैंने मिथाइलेटेड भी मेंशन किया, वो ध्यान में रखें। जैसे कि अगर मेरे पास एसीटोन है, राइट, और मेरे पास ये एसीटोफिनोन है, दोनों में मिथाइल तो दिख रहे हैं, पर ये रिएक्शन होगा ये नहीं, तो ये इजीली हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो यहां से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको, ये ध्यान में। ये इसके लिए सुटेबल है, इसके लिए नहीं। नाउ थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद वॉटर, रिएक्शन विद वॉटर, वॉटर के साथ रिएक्शन। अब जब ये वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? वॉटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, सही? वॉटर न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है,
बी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, क्या बनेगा? ये सी डबल बॉन्ड ओ है, वाटर ले लिया हमने, ये भी रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल। क्या मिला? जेप डाई ओ, विच आर अनस्टेबल, अनस्टेबल है तो बैक टू रिएक्टिंग। अब ये रिएक्टिंग में आ गया तो ये क्या प्रूफ है आपके पास कि ये रिएक्शन हुआ ही होगा? नहीं समझा मेरा बात? ये रिएक्शन है, यहां प्रोडक्ट कराया तो ये प्रोडक्ट मिला जो कि अनस्टेबल होता है, राइट? अगर ये अनस्टेबल होता है, ये फिर से इसमें चला गया, हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये रिएक्शन हुआ? कोई प्रूफ है नहीं। अब प्रूफ के लिए क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के लिए हम वाटर का कोई आइसोटोप ले रहे हैं, ऑक्सीजन 18। तो अगर ये रिएक्शन बना होगा तो रिएक्टिंग के ये एल्डिहाइड एंड कीटोन में भी ऑक्सीजन 18 मिलना चाहिए। तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के लिए मैं यहाँ एल्डिहाइड कीटोन वाटर लिया है ऑक्सीजन 18 का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिला था हमें, ये इस तरह से ऑक्सीजन 18 है, ये प्रोडक्ट भी मिलना उतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इससे आपको ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, जब तक ये रिवर्स में ना है। और रिवर्स में आने के बाद अगर ये प्रोडक्ट बना है तो रिवर्स में आने के बाद आपको जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ये प्रोडक्ट जब मिलेगा तो वहां पे ये एक प्रोडक्ट मिला जो हमने लिया था, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑक्सीजन 18। तो ऑक्सीजन 18 का मिलना ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट बना था। अगर ये ना मिले तो क्या आप बोल सकते हैं ये रिएक्शन हुआ है? क्योंकि ये बना है तो होगा क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये OH गया तो इसका H गया, ये मिल गया, इसका OH गया इसका H गया तो ये मिल गया। जब ये बनेगा तो दोनों पॉसिबिलिटी है, और अगर खाली यही मिल रहा है मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ध्यान में रखेंगे, अगर ये डायोल बना है तो ये दोनों रिएक्टिव मिलेंगे। और आपने देखा जब यहां पे मतलब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जब हम रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन 18 लिए वाटर में तो हमें रिएक्टिव में ये दोनों मोल मिले। तो रिएक्टिव में दोनों मोल का मिलना ये इंडिकेट कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है, 100% गारंटी दे रहा है कि रिएक्शन हुआ, तभी जाके ये प्रोडक्ट मिला, गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज ये रिएक्शन ये ना बने तो क्या ये बन सकता है? सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि यहां पे ये डायोल बना होगा, जब ये डायोल बना है तो रिएक्टेंट में ये मिला था, तो यहाँ पे रिएक्टेंट तो हमें ये दोनों मिले थे जिससे ये प्रूफ हुआ कि ये इंटरमीडिएट हुआ। अब जब ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन कराने का ही क्यों? अभी तक आपने जो डायोल पढ़ा है सब अनस्टेबल वाले पढ़े हुए, अब जो पढ़ रहे हैं वो स्टेबल वाले रहेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के डायोल मोर देन 90% स्टेबल होते हैं, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा दूं वाटर को, तो ये अब मैं यहां रिवर्सिबल ही नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है। ये इस तरह से, समझ में आ रहा है? ये स्टेबल है, ये मोर देन 90% होता है, मोर देन 90% जेम डायोल बन रहा है, समझ में आ रहा है आपको? दूसरा, अगर मैं CCl3CHO ले लूं, जिसको बोला जाता है क्लोरल, इसको क्या बोला जाता है? क्लोरल। और IUPAC नेम ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो इथेनल, ट्राइक्लोरो इथेनल, IUPAC की बात करें ना तो ट्राइक्लोरो इथेनल, क्लोरल स्टैंडर्ड कॉमन नेम है, ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड भी एक कॉमन नेम है, ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड भी कॉमन नेम है और क्लोरल भी कॉमन नेम। जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ये जो क्लोरीन है उसको मैं ओपन कर दे रहा हूं, ये इस तरह से OH मिलेंगे, समझ में आ रहा है? अब ये OH स्टेबल कैसे है उसके लिए मैं इनको ओपन कर रहा हूं, ध्यान में
OH लिखा था वो समझ में आया था, अब OH के H के बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, अब देख के ही समझ में आ गया हो क्या होगा। और आपने ये पढ़ा भी है ना कि क्लोरीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, तो क्लोरल हाइड्रेट आर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा है, क्लोरल हाइड्रेट आर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट। तो ये स्टेबल हाइड्रेट है, क्या है स्टेबल हाइड्रेट। फ्लोरल हाइड्रेट स्टेबल था, अब अगर फ्लोरल की बात करें तो फ्लोरल क्या होता है, ट्राई फ्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राई फ्लोरो एसिटल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे फ्लोरल। जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो फ्लोरल हाइड्रेट आर स्टेबल, फ्लोरल के जो हाइड्रेट है वो स्टेबल होंगे। उसका रीजन सेम जैसे क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल था वैसे ही फ्लोरल हाइड्रेट स्टेबल, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं फ्लोरल हाइड्रेट एंड फ्लोरल हाइड्रेट आर स्टेबल, ये स्टेबल है। एक और रिएक्शन ले लेता हूं, इतना तो हम दिमाग लगा ही सकते हैं, ये वाला हाइड्रेट भी स्टेबल है बट क्यों स्टेबल हाइड्रेट, बोलिए जरा व्हाट इज द रीजन कि व्हाई दिस साइक्लोप्रोपेन हाइड्रेट, साइक्लोप्रोपेन हाइड्रेट आर स्टेबल इन नेचर बट क्यों। एनीवन सब आंसर जा रहे हैं एंगल स्ट्रेन की वजह से, यहां कार्बन sp2 है, ये कार्बन क्या होगा ये एंगल एज इट इज है, दोनों में इंटरनल एंगल जो रिंग का एंगल है वो एज इट इज है, पर sp2 हुआ तो क्या होगा एंगल 120, sp3 का क्या हो जाएगा 109.5। अब एंगल स्ट्रेन क्या होता है, हाइब्रिड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल, हाइब्रिड एंगल यहाँ ज्यादा है तो इसका एंगल स्ट्रेन क्या होगा ज्यादा, इसका एंगल स्ट्रेन कम, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम है, हमने क्या पढ़ा हुआ है मिनिमम द एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम दी स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा था यहाँ एंगल स्ट्रेन कम हुआ, तो रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन दैट्स व्हाई प्रोडक्ट आर स्टेबल इन नेचर। समझ में आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ा है, ये सब पढ़ा हुआ है हमने एंगल स्ट्रेन, बस खाली अप्लाई करने आना है सही टाइम पे सही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन हाई है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन लो है, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन लो मतलब कम है तो क्या होगा रिएक्टेंट से यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, उसको रिलीफ मिला ना क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या है कम है, तो अब रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहां पे लिख देंगे ड्यू टू एंगल स्ट्रेन प्रोडक्ट का स्टेबल। इतना समझ में आया, अब वाटर वाले रिएक्शन तो बहुत हो गए, आफ्टर दैट फोर्थ में रिएक्शन विद लिग्नार्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन पढ़ाने की जरूरत है पढ़ाया हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद लिग्नार्ड रिएक्शन RMGX in the presence of dry ether followed by hydrolysis in an acidic medium, क्या मिलेगा product 1 degree alcohol। जब यहाँ पे formaldehyde के अलावा दूसरा कोई aldehyde लेंगे Grignard reaction के साथ react कराएंगे तो product क्या मिलेगा 2 degree alcohol, और यहाँ अगर मैं ketone ले लूँ क्या ले लूँ
कीटोन, कीटोन को मैं आर एन जी एच से रिएक्ट करा दू, किसके साथ आर एन जी एच, तो क्या मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल, जो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ कि फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म 2 डिग्री, कीटोन रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म 3 डिग्री, ये रिएक्शन पड़ा हुआ है। रिएक्शन विद अल्कोहल, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो अल्कोहल के साथ भी होगा, समझ में आ रहा है, रिएक्शन विद अल्कोहल। अब अल्कोहल के साथ ये क्या प्रोडक्ट बनाए, हम यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ले लिया, सी डबल बॉन्ड ओ कोई एल्डिहाइड या कीटो, इसको जभी 1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे, 1 मोल, ये भी रिएक्शन स्टूडेंट रिवर्सिबल है, एरो पे मैं लिखूंगा ड्राई एस सी एल या फिर एच प्लस, ड्राई एस सी एल और एच प्लस के प्रेजेंस में सब ये रिएक्शन होगा, तो टेक्निक वही है, टेक्निक क्या होगा बोलिए, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या मिलेगा, वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ जो है ओ एच में जाएगा और एक क्या मिलेगा ओ आर मिलेगा, एक ही कार्बन पे ओ एच एंड ओ आर मिला तो क्या बोलते हैं, बायो वाले वो आंसर आना चाहिए, सेम कार्बन पे ओ एच एंड ओ आर मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट पड़ा हुआ है बायो वाले, क्या मिलेगा पूरे सोचते रहना कंसेप्ट, ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ग्लूकोज का, बनाया है ना, एमी एसिटन, अगर ये एल्डिहाइड होगा तो हेमी एसिटन, कीटोन होगा तो हेमी कीटन, एसिटन कीटन, समझ में आ रहा है, हेमी एसिटन है हेमी कीटन, ये तो पहली बार सुन, आर ओ एच एक्सेस दिया रहेगा या तो 2 मोल दिया रहेगा, जरूरत 2 ही मोल का है, एक्सेस भी दिया जा सकता है, समझ में आ रहा है, एक्सेस दिया रहे या फिर 2 मोल दिया रहे तो क्या मिलेगा आपको, अच्छा इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं आपको समझ में आ जाएगा, लिखने का तरीका चेंज कर देगा, अब प्रोडक्ट समझ में आ गया रहेगा, क्या मिलेगा, वाटर निकलेगा यहां से राइट, अब वाटर निकला तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ओआर ओआर, अब ये क्या था हेमी एसिटल, हेमी हाफ ना, तो ये क्या होगा एसिटल, ये क्या होगा एसिटल, आधा एसिटल था, यहाँ पे क्या मिल गया, समझ में आ रहा है आपको, ये रिएक्शन, यहाँ पे कोई डाउट, वाटर निकल गया और एसिटल फॉर्मेशन हो गया, यहाँ एंटीहाइड्रेट होगा तो एसिटल, कीटोन होगा तो कीटल, ये ध्यान रखेंगे, कीटोन होगा तो क्या बनेगा, ये कॉमन नेम है, एसिटल एंड कीटन कॉमन नेम है, रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात करें, रिएक्शन में मीडियम क्या है एसिड, सबसे पहले क्या आएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड का एच,
क्या होगा, लोन पेयर अटैक करेगा H प्लस, प्रोडक्ट क्या मिला, डबल बॉन्ड O, इधर H, एक लोन पेयर दिया इधर प्लस, इस तरह से यहीं पे कंटिन्यू। बोर्ड में ये मैकेनिज्म नहीं है तो मैं डायरेक्टली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए सर, ध्यान देंगे ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो स्टेप है सेकेंड स्टेप को हम रेजोनेंस करा सकते हैं, सेकेंड स्टेप रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, इलेक्ट्रॉन इधर हो जाए तो ये मिलेगा OH लोन पेयर कार्बन पॉजिटिव, यहां तक कोई डाउट। अब इसी को हम सेकेंड स्टेप में ROH के साथ, अब ये ROH इधर भी अटैक कर सकता है इधर भी कर सकता है, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है आपको। तो जब यहां पे अटैक करेगा तो क्या होगा, लोन पेयर इधर जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन ये पॉजिटिव, इधर भी सेम ही होने वाला है या ऑलरेडी बॉन्ड फटा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट OH और इधर क्या होगा O H R, ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दिया है, जब ये ऐसा लोन पेयर देगा तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और एक यहां पे फर्स्ट स्टेप में आपने H प्लस यूज किया था, अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का बनना ये क्या है, लेस स्टेबल, H प्लस यहां से निकल जाएगा और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर लोन पेयर बना देगा। अब जो प्रोडक्ट मिला है स्टूडेंट उसको क्या, अब ये जो एच प्लस निकला है ये आपका क्या था, एसिड कैटलिस्ट जो रीजनरेट हो गया, और यहां पे प्रोडक्ट क्या मिला है ओ एच एन ओ आर, जिसको हम क्या बोलेंगे हेमी, यहां तक कोई डाउट, हेमी एसिडल। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हेमी एसिडल बनेगा, फिर से इसी हेमी एसिडल को हम यूज करेंगे, उसके ऊपर एसिड कैटलिस्ट अटैक कराएंगे। जब हेमी एसिटल पे एसिड कैटलिस्ट आएगा तो OH एंड OR में किधर अटैक करेगा, OH के ऊपर, ये वाटर इजीली निकल जाएगा, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप कंपेयर टू OR। तो ये OH एंड OR जब H प्लस के ऊपर अटैक करेगा तो लोन पेयर इस तरह से, समझ में आ रहा है आपको, प्रोडक्ट बनेगा OH2 पॉजिटिव चार्ज और यहां पे OR। अब वाटर रिमूव कर दिया जाए, जैसे ही वाटर रिमूव करेंगे आप यहां से तो क्या मिल जाएगा, कार्बो कैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर भी ऐसे पॉजिटिव चार्ज बना था तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, अल्कोहल लेके आए थे, यहां पे एक मोल यूज किया था तो हेमी एसिटल, दो मोल यूज किया था तो क्या बना था एसिटल। तो अभी तक आपने कितने मोल अल्कोहल के यूज किए हुए मैकेनिज्म में, एक दूसरा मोल हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सेकेंड मोल में क्या होगा, सबसे पहले आप इस इंटरमीडिएट को लिखेंगे, कार्बन पॉजिटिव चार्ज में है, अनदर मोल ऑफ अल्कोहल यूज करेंगे हम, ऑक्सीजन लोन पेयर गेट अटैच टू कार्बन पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बनेगा, यहां पे ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन है, ये R ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है और इधर OR, यहां तक कोई डाउट। अब सेकेंड मोल ले लिया है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं उसी H प्लस को रिमूव करूंगा जो एसिड कैटलिस्ट हमने यहां पे यूज किया, फिर से प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, यहां OR और OR या AC। ये फर्स्ट हाफ मैकेनिज्म, सेकेंड हाफ मैकेनिज्म, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मैकेनिज्म एग्जैक्ट सेम है, खाली फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग में यहां पे OH था, यहां पे क्या है OR। आप देखेंगे इसके पहले स्टेप में आपने क्या लिया था H प्लस, इसके भी पहले स्टेप में आपने क्या लिया हुआ है H प्लस, ये H प्लस अटैक किया, यहां डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर लिया, कार्बोकैटायन बना। जब इधर H प्लस अटैक हुआ तो OH2 मिला, लेस स्टेबल, वाटर निकल गया, क्या मिल गया कार्बोकैटायन। अब यहां पे हमने ROH जब अटैक कराया तो क्या मिला प्रोडक्ट हमें, ये OH था और
OR, जहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज H+ निकाल दिया, ये OR मिला। अब इस वाले में अगर हमने ROH को अटैक कराया तो क्या मिला हमें, सेम एज इट इज, इधर पे ROH ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, H+ रिमूव कर दिया, क्या मिल गया, OR, OR। तो ये पूरे मैकेनिज्म को रीड नहीं करना है, खाली समझना है कि ये अगर फर्स्ट हाफ हमको समझ में आ गया, सेकेंड हाफ सेम एज इट इज है, खाली वहां पे OH की जगह पे OR। समझ में आया, एक बार मैकेनिज्म देखेंगे, पहले क्या किया है, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या मिला, डबल बॉन्ड OH, रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ROH क्या यहाँ पे बिहेव कर रहा है, अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इस तरह से क्या मिल गया आपको, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, H+ को रिमूव कर दिया, फर्स्ट ऑफ प्रोडक्ट हेमी एसिटल फॉर्म। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अटैक ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट ऑन हेमी एसिटल, तो जब हेमी एसिटल पे एसिड कैटलिस्ट अटैक कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, OH2+, OH2+ निकल जाएगा तो इधर क्या मिलेगा, कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन में फिर से अल्कोहल को अटैक करा दिया, क्या मिला हमें, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे जो लेस स्टेबल है H+ रिमूव कर दिया, आपका एसिड कैटलिस्ट भी बाहर निकल गया और आपको एसिटिल मिला। मैकेनिज्म समझा, एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं आप, इसके एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर किसी एल्डिहाइड एंड कीटोन को जब भी हम रिएक्ट कराएंगे, मीथेनॉल इथेनॉल या किसी भी अल्कोहल को H+ के प्रेजेंस में, तो आंसर समझ में आ रहा है आपको, इधर इथेनॉल ले लिया मैंने ETOH, और जब एक मोल लेंगे तो हेमी एसिटिल बनेगा, एक्सेस या दो मोल लेंगे तो क्या मिलेगा, एसिटिल, ये ध्यान, यहां बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने, बेंजल्डिहाइड को दो मोल इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दिया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, एसिटैल्डिहाइड ले लूं मैं यहां पे, इसी एसिटैल्डिहाइड को हमने दो मोल मीथेनॉल के साथ रिएक्ट करा दिया, प्रोडक्ट आ जाएगा आपको, दो मोल है मतलब क्या मिलेगा, अब यहां पे ध्यान देंगे, इसी एसिटैल्डिहाइड को हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट कराया, The name of this reagent, ethylene glycol, पता है ना ये, जिसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं, ethylene glycol, जब इसको रिएक्ट कराएंगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आप बता सकते हैं, टेक्निक वही है जो पहले किया है, ethylene glycol, प्रोडक्ट ethylene glycol मिलेगा, सॉरी यहाँ पे रिएजेंट मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये रिएक्शन को ध्यान दीजिए, दो OH था राइट, अब यहाँ क्या मिलेगा प्रोडक्ट, बाकी के प्रोडक्ट मैंने नहीं बताए क्योंकि बाकी एज इट इज थे, इसके प्रोडक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डिफरेंट है, क्या मिल गया, ये एल्डिहाइड है तो साइक्लिक एसिटल, कीटोन होता तो साइक्लिक कीटोन, समझा, साइक्लिक फॉर्म हुआ ना, ये रिंग जैसा मिला, ये साइक्लिक एसिटल, एसीटोन को अगर मैं रिएक्ट करा दूं इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ तो एसीटोन भी आपको क्या दे देगा, साइक्लिक कीटोन, साइक्लोहेक्सेनोन ले लूं मैं उसको इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये भी क्या दे देगा, साइक्लिक कीटन, समझा आपको, ये आंसर आ जाएंगे, नाउ एप्लीकेशन, ये जो हमने रिएक्शंस पढ़े हुए इसके एप्लीकेशन, एक सिंपल सा कन्वर्जन है,
आ गया तो फिर खत्म कहानी। How will you convert fluoro to methyl? How will you convert? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट क्या यूज होगा वही बताना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है वो? समझ में आ रहा है? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कैसे कन्वर्ट हुआ है, बीच में क्या रिएजेंट यूज होगा वो बताना। ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप के भी हो सकते हैं, इतना हिंट दे दिया मैंने। तो सीएसटी डेल नेगेटिव और एमजीएक्स डेल पॉजिटिव, तो क्लोरीन, क्लोरीन रिप्लेस बाय सीएसटी। और हमने ये पढ़ा हुआ है, अभी यहीं पे लिखा गया था। क्या लिखा था? कौन सा रिएक्शन का? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएक्ट विद एल्डिहाइड टू गिव 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर वो इधर रिएक्ट करेगा तो इधर रिएक्ट नहीं करेगा। कुछ लोग पहले से हार मान के बैठ गए, हमसे नहीं होगा। उनको घर पे भी नहीं जाना। ट्राई करो एनीवन, कुछ दिमाग में जा रहा है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? टाइम पास करके मतलब नहीं, दिमाग में जा रहा है या नहीं, आया ना? कुछ भी नहीं जा रहा है। एप्लीकेशन बोला हुआ है तो इसी रिएक्शन से रिलेट होगा ना, उसका 50% आंसर राइट है, राइट। बट कब कहां क्या यूज करना है वो नहीं पता। सबसे पहले ये रिएक्टेंट को मैंने ले लिया। अब यहां पे ध्यान देंगे, यहां कौन सा CH3 ला सकते हैं? तो ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव, तो यहां जो कार्बन आएगा CH3 वो कार्बन नेगेटिव वाला होना चाहिए। मतलब आप CH3Cl डायरेक्टली नहीं ले सकते, ये सब नहीं ले सकते। ले सकते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होगा? कार्बन नेगेटिव। समझ में आ रहा है? उसका ये लॉजिक तो क्लियर था। बट अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं डायरेक्टली तो एल्डिहाइड एंड कीटोन भी तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन क्यों पड़ा है? अब मैं सबसे पहले ग्रिग्नार्ड को न लेके इथाइलिन ग्लाइकॉल को ले लूंगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल को लिया अगर हमने यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा एच प्लस के प्रेजेंस में? ये ओ जो है ऐसे निकल जाएगा और यहां क्या मिलेगा? CH3CHCl, इधर CHOO। ये साइक्लिक जो एसिटल बना है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? ईथर ना, ईथर ही दिख रहा है ना, ROR। क्या ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है? सॉल्वेंट है वो, तो उसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ईथर तो सॉल्वेंट है, क्या वो रिएक्ट करेगा? नहीं। तो अब अगर मैं यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लूं, बट कौन सा वाला ग्रिग्नार्ड लेना पड़ेगा? एक ही कार्बन है, तो यहां पे CH3MgCl। अब जब ये CH3 आएगा, ये भी डेल निगेटिव है, ये भी Cl निगेटिव है, तो ये Cl इसके साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको रिएक्ट नहीं करेगा। अगर यही ग्रिग्नार्ड डायरेक्टली यहां पे लेता तो
समझ में आ रहा है। अब ये एप्लीकेशन अगर इस रिएक्शंस का है नो डाउट, तो ये कहीं ना कहीं इस रिएक्शन का तो यूज करना है हम, अदरवाइज डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो रहा है तो मैं इसका एप्लीकेशन क्यों लिखूं। अब क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3, यहां CHOO, इस तरह से एज आई टोल्ड यू रिएक्शन आर रिवर्सिबल। अब क्या करना चाहिए अपने को, जो वाटर निकला था उसी वाटर को यूज कर लो। वाटर ले लिया तो ये ईथर हाइड्रोलिसिस होता है, पता है ना आपको, आया ना डायोल बनेगा, पर डायोल लेस स्टेबल, वंस अगेन क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, तो हाइड्रोलिसिस कर लेंगे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH CH3, और ये आपका CHO, फिर से इथाइलिन ग्लाइकोल निकलता। समझा आपको या नहीं, यहां तक कोई डाउट है, इतना इजी था ना ये। तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ, पहला आंसर ये था आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर CH3 MgCl followed by hydrolysis, ये तीन स्टेप का कन्वर्जन था। और मैंने आपको हिंट भी दिया था ये सिंगल स्टेप नहीं है, और दूसरा यहाँ लिख भी दिया है एप्लीकेशन है, मतलब कहीं ना कहीं इस रिएक्शन को यूज करना है, तो हमने नहीं किया। अब तो आ जाएगा सेकेंड रिएक्शन, तो आपको इतना पहले रिएक्शन में ही प्रॉब्लम, CH2OH, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं CHO और COOH क्या होगा, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, ये 1 डिग्री अल्कोहल एसिड में गया, मतलब यहां क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजिंग, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजिंग, अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एसिड भी होगा, सॉरी एल्डिहाइड भी होगा, बट यहाँ रिएक्टेंट में देखेंगे तो दोनों एसिडीज है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये CHO चेंज हुआ है क्या, नहीं, तो यही खाली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, वंस अगेन इस वाले ग्रुप को मैं क्या कर दूं, ब्लॉक कर दूं, ईथर ऑक्सीडाइज होता है क्या KMnO4 से, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, दोनों तरफ से सोचना होगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया तो क्या करेंगे, केमेनोफोरिना एसिडिक मीडियम, अब ये ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ये तो ब्लॉक है, साइक्लिक ईथर बना हुआ, बाद में क्या कर दो आप हाइड्रोलिसिस, समझ में आ रहा है आपको, वाटर इन एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा, कन्वर्जन समझ में आ रहा है आपको, किस तरह से कन्वर्ट किया गया, तो ये सब ध्यान में देंगे। क्या हो जाएगा, ये अगर रिड्यूस होगा तो ये भी रिड्यूस होगा, वन सेकंड, समझ में आ रहा है, ये आपका कन्वर्जन, यहां तक कोई डाउट, सो दैट्स ऑल।